अवार्ड धारणा में है, अवार्ड दिया जा रहा है, बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जा रहा है और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड दिया जा रहा है। और हमारे खासतौर से आज उर्दू अकेडमी के जो हमारे सदर है, जिसकी सदारत में काम हो रहा है, जनाब मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी साहब और मेरे भाई और माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है। हिंदुस्तान में हमारे आनेबल सी एम साहब ने, मैं समझता हूँ, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का सपना कोई पूरा कर रहे हैं, वो KCR साहब कर रहे हैं। आज हमारे पास मुसलमानों की खिदमत करने के लिए हमारे हिंदू भाई, हमारे कपूला ईश्वर साहब को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हिंदू भाइयों की खिदमत करने के लिए होम मिनिस्टर का अहदा मुझे दिया गया। ये गंगा जमुना तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे CM साहब यही चाहते हैं कि तेलंगाना में भाईचारगी रहे, मोहब्बत रहे और हम लोग मिलजुल कर तरक्की करें और सारे तरक्की के हिस्से में मुसलमानों का भी बराबरी का हिस्सा मिले। ये हमारे CM साहब की बहुत बड़ी ख्वाहिश है। और हमारे आनेबल CM साहब के पास जो हमारे एडवाइज़र है AK Khan साहब, इससे पहले मैं आपसे बताता हूँ, जितने CM गुजरे उनके पास कोई भी मुस्लिम एडवाइज़र नहीं था, सिर्फ हमारे KCR साहब है। तमाम एडवाइज़रों के साथ एक मुस्लिम एडवाइज़र को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि मुसलमानों के मसाइल पर वक्ता उन्हें इतला मिले और उन्हें ख़ासतौर से अमल करने की ज़रूरत है। और हमारे अजय मित्रा साहब जो हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, सीनियर IAS ऑफिसर हैं, आज आप हमारे साथ वो माइनॉरिटी की खिदमत कर रहे हैं, उनका भी बहुत दिल से खैर मकदम करता हूँ। हमारे कमरुद्दीन साहब जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं, हमारे मसीउल्लाह खान साहब जो हज कमेटी चेयरमैन हैं, हमारे शुगुर साहब और डैच पर बैठे हुए मेरे तमाम भाइयों, खासतौर से इस प्रोग्राम में हमारे शाहनवाज खासिम साहब जो IPS होते हुए माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में खिदमत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी AK खान साहब को आपको बता चुके हैं, CM साहब ने एक बार कहा कि हमारे मिनिस्टरों से कहा, हमारे कमिश्नर साहब से कहा, कलेक्टर साहब बैठे थे, कहा कि अगर आपको उर्दू में लेटर आया तो क्या जवाब देते हैं। उर्दू के लेटर का आप लोग जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सी बहनें उर्दू जानती हैं तो अंग्रेज़ी में लेटर नहीं लिखती है, उन्हें अगर घर में तकलीफ होती है तो कलेक्टर को लेटर लिखा जाता या कमिश्नर को लेटर लिखा जाता या पुलिस के DIG को लेटर लिखा जाता, उसका लेटर आपके पास पढ़ने वाले कौन है। तो उन्होंने कहा, नहीं साहब, किसी भी लोगों को बुलाना पड़ता है, कोई मुसलमान है तो हमारे डिपार्टमेंट के उन्हें बुलाकर उसे पढ़ाया जाता है। तो CM साहब उसके लिए उर्दूता की कदर करने के लिए, उर्दूता का जवाब देने के लिए एक उर्दू ट्रांसलेटर्स का तमाम के तमाम 60 लोगों को, तमाम कलेक्टर्स को, तमाम मिनिस्टर्स को, कमिश्नर को, DGP साहब को और बल्दिया कमिश्नर को, तमाम लोगों को उर्दू ट्रांसलेटर का एक अहदा प्रदान किया गया ताकि उर्दू के लेटर्स का उर्दू में जवाब दिया जा सके। इसलिए हिंदुस्तान में कोई स्टेट है जो मुसलमानों के बारे में सोचती है, तालीम के बारे में सोचती है, तरक्की के बारे में सोचती है, तो वो हमारी स्टेट तेलंगाना स्टेट है। हिंदुस्तान में कोई लीडर है जो मुसलमानों को दूसरी कौमों की तरह तरक्की याफ्ता बनाना चाहता है तो वो हमारे लीडर KCR साहब है। इसलिए मेरे तमाम भाइयों से यही कहता हूँ, खासतौर से हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ मौजूद है, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वेलफेयर स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। हमारा जो बजट था तेलंगाना बनने से पहले हमें 45,000 करोड़ से बढ़कर नहीं आया, आज अल्लाह के फजल करम से 55,000 करोड़ रुपए नॉन डिफेंडेबल वेलफेयर पर खर्चा करने वाली कोई स्टेट है वो तेलंगाना स्टेट है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन हमारे लिए बड़ा अजीम दिन है। आज का दिन इसलिए अजीम है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब यही चाहते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान खुशहाल रहें, तरक्की याफ्ता रहे। वो हिंदू भाइयों की भी बहुत मोहब्बत करते थे। 1951 में जब पहला पार्लियामेंट का इलेक्शन आया तो पहला टिकट जवाहरलाल नेहरू साहब ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को जो टिकट दिया गया था, उस किंग की कांस्टिट्यूंसी में 85% से ज़्यादा मुसलमान थे। उन्होंने टिकट जाकर वापस कर दिया। उन्होंने कहा, मैं सबकी ज्यादा करना चाहता हूँ, आप एक मुस्लिम लीडर को सिर्फ मुस्लिम बैठ से क्यों लड़ाते हैं। तो फिर वो टिकट उन्हें वापस लेकर, जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों मसावात में थे, वहाँ का टिकट दिया गया। ये हमारे हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का सेकुलरिज्म है। हम यही चाहते हैं, हमारी तेलंगाना हुकूमत यही चाहती है कि हमारे स्टेट के तमाम लोग अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारें और ख़ास तौर पर जो मुसलमान भाई तालीम याफ्ता नहीं है उन्हें
تعلیم دینے کے لیے ہمارے سی ایم صاحب نے 204 ریزیڈنشل کھولے تھے، ابھی بڑھتے ہوئے وہ 206 ہو چکے ہیں، آگے اور بھی بڑھیں گے۔ سابقہ میں کانگریس اور تلگو دیشم دور حکومت میں 65 سال کے اندر صرف 12 ریزیڈنشل اسکول تھے، جس کے اندر 1820 بچے تعلیم حاصل کرتے تھے مکمل تلنگانہ کے اندر۔ آج 5 سال کے اندر ہمارے آنےبل سی ایم صاحب نے 65,000 سے زیادہ بچے اس ریزیڈنشل اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہیں اچھی سے اچھی غذا فراہم کی جا رہی ہے، اچھے سے اچھے طریقے سے انہیں رہنے کی سہولت عطا کی جا رہی ہے، اور یہ آگے بڑھ کر اور پڑھائے جائیں گے۔ سی ایم صاحب کا یہ ارادہ ہے کہ آگے چل کر یہ 500 تک پہنچے اسکول۔ سی ایم صاحب نے کئی دن پہلے یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ اسکولوں کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ بہت زیادہ سے زیادہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکے۔ اس لیے میں تمام بزرگوں اور بھائیوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اگر تلنگانہ حکومت ہے ہندوستان میں مثالی حکومت ہے تو ٹی آر ایس پارٹی تلنگانہ راشٹر حکومت ہے، تلنگانہ حکومت ہے۔ تلنگانہ کے اندر تلنگانہ بننے سے پہلے بہت سے مسائل سے فرقہ فسادات ہوا کرتے تھے، مہاراج اللہ کے فضل کرم سے 5 سال میں کبھی بھی 1 منٹ کا کرفیو نہیں لگا، کبھی 1 منٹ کا کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ آج امن کی اسٹیٹ ہے تو تلنگانہ اسٹیٹ ہے، اس لیے آج کا دن ہمارے لیے کافی عزیز ہے، کیونکہ کافی ہمارے بڑے بزرگوں کو جو اس ملک کی خدمت کر چکے ہیں، ہمارے عوام کی خدمت چکے ہیں، اس سیٹ کی خدمت کر چکے ہیں، انہیں ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ خاص طور سے اردو کے چیئرمین صاحب کو اور ہمارے خاص طور سے ہمارے منسٹر صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، بہت اچھا سلیکشن کیا گیا ہے، اور تمام ایسے لوگوں کو جو عوام کی خدمت سے وابستہ ہے انہیں ایوارڈ دیے گئے ہیں، اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جے تلنگانہ، جے جے تلنگانہ، تھینک یو۔